हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज है नवरात्रि का लास्ट डे, आज है नवमी। तो हम लोग नहा धो के पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और आज हम लोग बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठ गए थे। सो हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का। पंडित जी जैसे ही आएंगे हम लोग अपना पूजा स्टार्ट कर देंगे। पूजा स्टार्ट होने के बाद हम लोगों को कन्याओं को भी जिमाना है, तो हम लोगों का पूजा स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी आज थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए हमारा पूजा होने में थोड़ा सा लेट हो गया था। सो पंडित जी अब आ चुके हैं, तो पूजा भी कम्प्लीट हो गई, आरती भी कम्प्लीट हो गई है। अब हम लोग घर की पूजा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज सूर्य भगवान को भी जल हमने डाल दिया है, उसके बाद सोमवार था, आज हमने शिव जी को भी याद कर लिया अच्छे से। इसके बाद हम कन्याओं के लिए प्लेटें लगा देंगे, जो आज का कन्याओं का गिफ्ट है सो हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद हमारी 9 कन्या हमारे घर आ चुकी है अच्छी तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो ब्लॉग के एंड तक में बनी रही है और आप देखिए कि आज नवरात्रि की पूजा मैंने किस तरह से की है। और चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जा सके। तो हम लोगों ने कन्याओं के हमने पैर अच्छे तरह से वॉश कर दिए हैं और अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया है। उसके बाद हम कन्याओं को आलता भी लगाएंगे। कन्याओं के साथ हमने भैरव जी को भी बिठाया था। हमारे भैरव जी में 3 भैरव जी हम लोगों के घर पे बैठे थे और उनको भी हमने अच्छे से जिमाया है, उनके भी पैर वैर धोए हैं और आलता वालता हमने कन्याओं को लगा दिया अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग, ये सारी कन्याएं कितनी खुश है और ये लोग अच्छे से भोजन भी करी थी और ये लोग बहुत खुश भी थे। माना जाता है कि 9 कन्याओं में 9 माताओं के 9 रूप बसते हैं। सो हम लोगों ने आज माताओं के 9 रूप हमने इन बच्चों के रूप में पूजा की है। तो आप लोग देख सकते हैं लोग कितने खुश हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे और कितने क्यूट लग रहे हैं। तैयार होने के बाद ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनकी बदमाशियाँ भी ख़त्म नहीं हो रही है। बच्चे तो होते ही बदमाश, तो थोड़े बहुत तो ये बदमाशियाँ करते ही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग कितने क्यूट लग रहे हैं, इनकी हरकत बिल्कुल ही बदमाशी इनकी रुक नहीं रही थी, फिर भी हमने इनको कैसे भी कैसे करके आलता पूरी अच्छे से लगा लिया है इनके पैरों पर। अब हम इनका खाना स्टार्ट करते हैं, इनको भोजन हम लोग लगा चुके हैं। अब ये लोग इनको हम माता रानी की चुन्नी उड़ा रहे हैं। अब इनको ये चुन्नी ओढ़ने के बाद और भी प्यारी लगने लग जाएगी, माताओं के सच्चे 9 रूप दिखने लग जाएंगे इनमें, आप देख सकते हैं। मुझे तो सच में दिखने लगे थे और आपको भी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो हम लोगों ने इनको खाना लगा दिया मेरे और इस काम में मेरे पूरे घर वालों ने हेल्प किया था, जिससे मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। मेरे सारी फैमिली मेम्बर ने मेरी हेल्प की और हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे काम सलट लिए थे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी फ्री होकर के मेरे घर में और गेस्ट वगैरह भी आने वाले थे, इसलिए उनको भी उनके लिए भी काम करना था, उनके लिए भी खाना वाना बनाना था। सो हम लोग पहले कन्याओं को फ्री कर दिया और हमने इनके गिफ्ट भी दे दिए हैं। अब गिफ्ट देने के बाद में इनकी खोज हम लोगों की तरफ खोचा भरा जाता है, तो हम लोग पाँच मुट्ठी चावल सारे की कन्याओं के 9 कन्याओं के मैंने खोचा भरे थे। वो मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, इसलिए मैंने घर पे ही 9 कन्याओं के खोचा भर दिया था। अब इसके मैंने खोचा भरने के बाद मैंने इनके पैर छू लिए हैं और ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना आशीर्वाद कितनी खुश होकर के दे रहे हैं। और ये मेरा भाई है, इसने भी ये भी पैर छू के अपना आशीर्वाद ले चुका है। लंबी उम्र और सफलता के लिए। तो यहाँ पे वीडियो को अब हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।